इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर से आज सुबह एक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस प्रभात फेरी में संतों के साथ ही आम नागरिक भी भजन गाते हुए चल रहे थे। प्रभात फेरी के लिए रात 3 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो गया। सर्द हवाएं भी भक्तों को नहीं रोक पाईं और लाखों की तादाद में लोग रणजीत बाबा के दर्शन करने पहुंचे। ये परंपरा 129 सालों से जारी है और इस परंपरा में भक्तों का जन सैलाब बड़ी संख्या में नजर आता है। शुरुआत में चुनिंदा लोग हाथ में तस्वीर लेकर मंदिर की 7 परिक्रमा लगाते थे। धीरे धीरे प्रभात फेरी का मार्ग बढ़ता गया। 9 साल पहले 2010 से प्रभात फेरी ने वृहद रूप धारण करना शुरू किया। 2013 में प्रभात फेरी के लिए उत्सव विग्रह बनाए गए। 2015 में 25 लाख रुपए की राशि से रजत रथ का निर्माण किया गया, जिसमें रणजीत हनुमान नगर भ्रमण करते हैं। कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं पर भक्तों की श्रद्धा और आस्था बहुत भारी पड़ती हुई नजर आई और अल सुबह जब इंदौर में लाखों लोगों की आस्था के केंद्र रणजीत हनुमान जी की प्रभात फेरी निकली, तब स्कीम नंबर 71 स्थित रणजीत बाबा के मंदिर से महुनाका और फिर अन्नपूर्णा रोड तक जय रणजीत के जय घोष के साथ जन सैलाब दिखाई पड़ रहा था। इस प्रभात फेरी में लाखों लोग शामिल हुए। मार्ग में सैकड़ों स्टॉल भक्तों के स्वागत हेतु लगाए गए थे। इसमें कोई नेता नगरी नहीं थी, बस भक्त भगवान और आस्था यहाँ हिलोरे मार रही थी। पूरे मार्ग पर नजारा देखने लायक था। रणजीत हनुमान मंदिर के अस्तित्व में आने की बात की जाए तो ये बात 1907 की है। तब गुमास्ता नगर क्षेत्र में बसाहट नहीं हुई थी। वहाँ पहलवानी का शौक रखने वाले अलहर सिंह भारद्वाज हनुमान जी के उपासक थे। उन्होंने इस वीरान जंगल क्षेत्र में पतरे की ओट लगाकर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की और छोटा सा अखाड़ा बना दिया। इस तरह रणजीत हनुमान मंदिर अस्तित्व में आया। रामनवमी और हनुमान जयंती पर यहाँ विशेष श्रृंगार अनुष्ठान और पूजा पाठ और आरती की जाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में फूटी कोठी रोड पर स्थित रणजीत हनुमान मंदिर अपने आप में कई चमत्कारों को समेटे हुए है। जब आप यहाँ मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ कई भक्त हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ करते हुए नजर आएंगे। यहाँ प्रवेश करने के साथ ही राम भक्त हनुमान के प्रति लगन बढ़ जाती है। इंदौर शहर के साथ ही आसपास के अनेक गांव एवं शहरों के लोग यहाँ अपनी मन्नतें लेकर पहुँचते हैं। रणजीत हनुमान के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो भी अपने रण यानी अपने अपने कार्य क्षेत्र में विजय हासिल करना चाहता है वो रणजीत हनुमान के दरबार में आता है। और आज इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर से एक भव्य प्रभात फेरी निकली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जय रणजीत का उद्घोष करते हुए शामिल हुए। भव्य प्रभात फेरी में पधारे सभी रंजीत भक्तों का जय रंजीत जय रंजीत जय रंजीत जय रंजीत जय रंजीत।
channel and press the bell icon for more updates.